for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. हम सब जानते हैं कि सलमान खान और रणबीर कपूर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं शेयर करते हैं और जब सभी रणबीर की फिल्म संजू के ट्रेलर को देखकर तारीफ कर रहे थे, सलमान इस फिल्म को लेकर काफी क्रिटिकल थे और उन्होंने रणबीर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तो कोई भी स्टार कर सकता था। इनफैक्ट सलमान चाहते थे कि इस रोल में रणबीर नहीं बल्कि खुद संजय दत्त नजर आए। इस सब के दौरान रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी फिल्म के रिलीज का इंतजार करते रहे। और माय माय, रिलीज के बाद तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका ही कर दिया, इतना कि उनके सारे क्रिटिक्स को मिल गया एक करारा जवाब। पिछले 5 सालों से रणबीर की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है और अब इस फिल्म के साथ अब उनकी गिनती बी टाउन के टॉप लीग में होगी। इस फिल्म के कलेक्शंस के साथ भी उन्होंने सलमान को एक सबक सिखाया है। जहां सलमान की फिल्म रेस 3 को लेकर फीडबैक और रिव्यूज काफी नेगेटिव रहे, इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर करीब 106 करोड़ कलेक्ट कर लिए थे और 15 दिन के बाद ही संजू ने सलमान को इस एस्पेक्ट में ओवरटेक कर लिया और करीब 120 का कलेक्शन रिकॉर्ड किया। और अब खामोश रहकर अपने काम के जरिए ही रणबीर की फिल्म कलेक्शन ने सलमान खान को दिया करारा जवाब। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।